दिल्ली में पिछले करीब 5 घंटे से लगातार बारिश हो रही है, जिसके कारण ठंड ज्यादा बढ़ चुकी है। ऐसे में दिल्ली में रह रहे लोगों को काम करने में और घर से बाहर निकलने में काफी समस्या हो रही है। ठंड ज्यादा होने के कारण कई लोग बीमार पड़ रहे हैं और ठीक से काम भी नहीं कर पा रहे। ऐसे में ही पिछले करीब 40 दिन से जो किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना दिए बैठे हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा। ना तो उनके पास जाता है और ना ही रहने की कोई अच्छी जगह, और ऐसे में जो बरसात हो रही है उससे उनको भी काफी समस्या हो रही होगी। पहले भी कई किसानों की ठंड से मौत हो चुकी है और अब इस बारिश के चलते ही दिल्ली में और भी कराकर ठंड पड़ रही है, जिसके कारण यहाँ रह रहे लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। आप सोच सकते हैं कि किसानों को कितनी ठंड लगती होगी। संवाददाता संजय सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है सर? मेरा नाम अनुज सिंह है। अनुज जी, शाम को करीबन 5 बजे से लेकर लगातार बारिश हो रही है, दिल्ली में सर्दी बढ़ गई है, क्या कहना चाहते हैं जी? ये जैसी साल ये 2021 का शुरू हुआ है, मौसम खराब हो गया और रोज ही बरसात हो रही है, मौसम ठंडा हो गया और इस बार तो ऐसा लग रहा है जी शिमला मनाली यही है, दिल्ली का मौसम ऐसे ठंडा हो गया। और इस टाइम पे सारे देश में हमारे दिल्ली वासियों से निवेदन है कि अपना सर्दी का सही से कपड़े उपड़े पहन के रहें, ताकि मौसम ये चेंज होने वाला है तो अपना बचाव करें। देखा जाएगा खुले मैदान में किसान आंदोलन का आज 40वां दिन हो गया, खुले मैदान में किसान रहते हैं, कितने तकलीफ का सामना करना। हाँ, बड़ी हमें दुख होता है कि एक तरफ हमारे जो नेता हैं वो अपने बिल्डिंगों में हैं, और जिन्होंने हमें रोजी रोटी दिया, जो हमें रोटी दे रहे हैं, जिनसे हमें पेट भरता है, वो हमारे अन्नदाता आज रोड पे हैं और बारिश में हैं। आज जब हमें घर में रह के इतनी ठंड लग रही है तो हम सोच सकते हैं कि वो रोड पे रह के उनकी क्या स्थिति होगी। अभी हमने देखा कि कई हमारे किसान शहीद हो गए, तो इस पे मेरा ये है कि सरकार को जल्द से जल्द कुछ ना कुछ डिसीजन लेना चाहिए।